घबराने की कोई जरूरत नहीं, मेरे बेटे की एंट्री मतलब इन बदमाशों को डिसेंट। उसको समझता क्या? क्या बिग न्यूज सामने आई फिल्म से रिलेटेड? क्या फिल्म में नजर आएंगे विजय सेतुपति? क्या वाकई में श्रीवल्ली की हो जाएगी मौत? नमस्कार दर्शकों, मैं सलोनी वर्मा करती हूँ आप सभी का स्वागत बॉलीग्राड स्टूडियोज पर। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी बॉलीवुड की दुनिया में काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए जॉब लिंक पर फटाफट जाएं और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। तो चलिए हम आज बात कर रहे हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिस फिल्म ने लॉकडाउन के बाद रिलीज होके थिएटर्स में अपना राज फैला दिया था। आपको बता दें लॉकडाउन के बाद थिएटर्स में सिर्फ 50% कैपेसिटी थी और थिएटर्स इतनी ही कैपेसिटी के साथ वर्क कर रहे थे, फिर भी फिल्म ने ऑल ओवर इंडिया 350 करोड़ की कमाई करके एक अलग ही रिकॉर्ड बना दिया था। हम बात कर रहे हैं पुष्पा फिल्म की। पुष्पा फिल्म एक ऐसी फिल्म साबित हुई जिसने अपना एक अलग ही कल्ट बना लिया है। पुष्पा का मैं झुकेगा नहीं साला और वो स्पेशल ऐसे चलने वाला स्टाइल काफी फेमस हुआ और अब भी लोग उस स्टाइल को इतना कॉपी करते हैं कि वो स्टाइल लोगों के अंदर घुस चुका है। आपको बता दें फिल्म के एंड में हमें दिखाई दिया था पुष्पा आके बैठ जाता है शादी के मंडप में और नीचे लिखा आता है टू बी कंटिन्यू। आपको बता दें फिल्म के सीक्वल की शूटिंग शुरू हो चुकी है। फिल्म की हीरोइन रश्मिका मंदाना ने फिल्म की शूटिंग की पिक्चर्स शेयर करते हुए ये लिखा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। साथ ही फोटोज में हमें कई सारे कोस्टार्स नजर आ रही हैं। आपको बता दें साउथ के द वेरी फेमस विजय सेतुपति भी हमें फिल्म में नजर आ सकते हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। देखना दिलचस्प होगा क्या इन खबरों में कितनी सच्चाई है। ऐसा भी सुनने में आ रहा है इस फिल्म का बजट होने वाला है काफी हाई, तो ये भी देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कितना होने वाला है फिल्म का बजट। क्या वाकई में श्रीवल्ली की हो जाएगी मौत? आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं लेती हूँ आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे यही इसी चैनल पर। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।